तो क्या हाल चाल है दोस्तों, आप कहे हो, आप सभी मजे में होंगे। गाइस तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले गूगल पिक्सल 6 के बारे में। बट यहाँ पे आप लोग बोलोगे अबे तूने तो बता रखा है। जी हाँ बिल्कुल सही बोले आप लोग, मैंने बता रखा है। बट वो जो लीक्स है ना वो किसी और लीक्सर का था। इस बार दोस्तों यहाँ पे ऑन लीक्स की तरफ से लीक्स आए हैं और यहाँ पे एक फैक्ट बन जाती है उनकी तरफ से कि भाई साहब उनके जो लीक्स होते हैं ना वो 95% एक्यूरेट होते हैं। जी 5% इधर उधर हो जाता है लेकिन भाई साहब 95% सही होते हैं। तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों को बता दीजिए और इस वीडियो में आपको गूगल पिक्सल 6 के बारे में कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव चीजें पता चलेगी जो कि शायद किसी और YouTube चैनल पे ना मिले। जी हाँ तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है यार आप लोगों से कि मैंने एक शॉर्ट्स चैनल क्रिएट कराया था, प्लीज उस पे जाकर सपोर्ट करो, सब्सक्राइब जल्दी से कर लो। ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट पिन पे भी मिल जाएगा, जाकर जहाँ से मर्जी वहाँ से कर लो जल्दी से। अबे कर लो यार, हले तक की कर रहे हो थे तुसी यार कर लो जल्दी से। तो हमेशा की तरह दोस्तों यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन से। गाइस तो यहाँ पे डिजाइन आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे टू टोन डिजाइन हमें देखने को मिलेगा। कैमरा बम के ऊपर में किसी और कलर का यहाँ पे मटेरियल यूज किया जाएगा और कैमरा बम के नीचे में किसी और कलर का यहाँ पे मटेरियल और कैमरा बम भी दोस्तों यहाँ पे काफी ज्यादा यूनिक सा ही लग रहा है। तो ये सारी दोस्तों यहाँ पे चीजें हैं। बाकी यहाँ पे 3-4 कलर हमें दिख रहे हैं जो कि काफी ज्यादा सॉलिड दोस्तों यहाँ पे कलर लग रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे अगर इसकी मोटाई की बात करते हो ना तो यहाँ पे जो ऑन लीक्स के यहाँ पे जो लीक से हमें पता चला है वो ये है कि भाई 11.5 mm की दोस्तों यहाँ पे इसकी थिकनेस हो सकती है इंक्लूडिंग कैमरा बम्प। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इतना ज़्यादा मोटा भी नहीं कहूँगा जिस हिसाब से इसका कैमरा बम्प है। तो ये सारी दोस्तों यहाँ पे बातें हो जाती है। अगर यहाँ पे बात करते हो लाइक फ्रंट की तो यहाँ पे आपको पंच होल तो मिलेगा लेकिन यहाँ पे रेंडर्स के हिसाब से हमें ये लग रहा है कि यहाँ पे हमें शायद से इस बार कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाए, जैसा कि यहाँ पे रेंडर्स में आप लोग देख सकते हो। तो ये सारी बातें हैं। अगर बात करते हो लाइक कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाएगा पीछे में, तो मेरे हिसाब से ग्लास हो सकता है या फिर सेरेमिक भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। एक बार लाइनें याद करके बोलो ना। अबे ओ बंधु, लाइनें बोली नहीं जाती, लाइनें मारी जाती है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इस फोन की सबसे एक्सक्लूसिव चीज की, यानी मैं बात कर रहा हूँ इस फोन के कैमरास के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ अंदर के सूत्रों से हमें यह पता चला है ना कि यहाँ पे सोनी ने और गूगल ने मिलकर दोस्तों यहाँ पे एक कस्टम सेंसर डिजाइन करा है जो कि 50 MP का होगा। अब बताओ यार, दो जॉइंट्स कंपनी आपस में मिल जाए और कुछ तगड़े वाला काम करे तो भाई साहब कत गर्दा मच जाएगी। और मैंने बताया था ना कुछ एक्सक्लूसिव चीजें बताऊंगा। जी हाँ तो ये सारी चीजें हैं और भी काफी सारी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा, आगे वीडियो को देखते रहो। तो दोस्तों यहाँ पे ये है। अगर दोस्तों यहाँ पे बात करते हो कुछ और सेंसर की तो यहाँ पे आपको एक अल्ट्रा वाइड मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये बात हो गई 6 की। यहाँ पे 6 प्रो की बात करते हो तो यहाँ पे दो कैमरा तो मिलेगा जो मैंने आपको बताया, साथ में आपको एक जो है टेलीस्कोप लेंस मिलेगा जो कि 5x ऑप्टिकल जूम देगा। तो ये सारी दोस्तों यहाँ पे चीजें हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे आप लोग बात करते हो तो यहाँ पे एक ना कलर टेम्परेचर सेंसर भी मिलेगा जो कि कलर को ना मतलब क्या करेगा, एक्यूरेट करेगा और आपके हिसाब से एक परफेक्ट कलर को दोस्तों यहाँ पे देगा। जैसे कि मान लो यार कई बार हम क्या करते हैं, अलग अलग लाइट कंडीशन में फोटो क्लिक करते हैं, कई बार कूल होता है, कई बार वार्म होता है थोड़ा सा, कई बार मतलब कोई और कलर होता है, तो वो क्या करेगा उसके ना सेंस करेगा भाई किस तरह के यहाँ पे टेम्परेचर बन रहे हैं और आपके फोटो किस तरह के दोस्तों यहाँ पे आने चाहिए, उसको कैसे आपको बेटर दिखाया जाए। बस यही दोस्तों यहाँ पे इसका काम है। बट यार एक बात आप लोग सोचो कि मान लो किसी बंदे को अपने गर्लफ्रेंड से ब्रेक बोलो, एकदम गुस्से में खड़ा है, कोई बंदा आया फोटो खींच लिया उसका, बोला सर यू आर वेरी वेरी कूल, अब बताओ उसका क्या हाल करेगा वो। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इस फोन की पावर के बारे में। आखिर इस फोन को पावर कौन दे रहा है, तो भाई साहब पावर इसको दे रहा है व्हाइट चैपल। अब यहाँ पे बोलोगे यार ये कौन सा चिड़िया का नाम है व्हाइट चैपल, तो भाई साहब यहाँ पे आप लोगों को बता दूं ये चिड़िया का नहीं, ये प्रोसेसर का नाम है और ये गूगल का खुद का ओन प्रोसेसर है। यहाँ पे ना मीडिया टेक का है, ना स्नैपड्रैगन का, ना एक्जीनोस का, ना एप्पल का है, यहाँ पे गूगल ने खुद से इसको बनाया है और अपने फोन में डाल के देगा। जी हाँ तो ये सारी दोस्तों यहाँ पे बातें हैं व्हाइट चैपल को लेकर के। और यहाँ पे अगर बात करते हो लाइक इसकी नेम की ना, तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है भाई साहब इसका जो कोड नेम है वो है यहाँ पे कुछ इस तरह से GS101, इसका कोड नेम दोस्तों यहाँ पे निकल के आया है। और गाइस यहाँ पे कुछ अंदर की बातें बताओ ना, तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है ये 5nm टेक्नोलॉजी पे दोस्तों यहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है और ये आर्म टेक्नोलॉजी पे दोस्तों यहाँ पे बना हुआ है। आर्म टेक्नोलॉजी आप लोग जानते हैं जो कि यहाँ पे स्नैपड्रैगन वगैरह भी यूज़ करते हैं। तो ये सारे दोस्तों यहाँ पे चीज़ें हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे आप लोग बात करते हो लाइक ये किस तरह से मतलब स्टैंड करता है, मतलब स्नैपड्रैगन से आप लोग मुकाबला करते हो तो भाई कहाँ पे स्टैंड करता है, तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन का 870 है ना उस पे दोस्तों यहाँ पे ये लोग टक्कर में है। तो आप लोग बोले यार यार क्या फ़ायदा हुआ भाई, 880 पे होता तो मज़े ही आ जाते भाई साहब, तो नहीं यहाँ पे आप लोगों को उससे ज़्यादा मज़े आएंगे इसमें। अब क्यों इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखो यहाँ पर आपको पता है ना एप्पल क्या करता है, सारी चीज़ें खुद से बनाता है, प्रोसेसर बनाता है, सॉफ्टवेयर बनाता है, हार्डवेयर बनाता है, जो भी चीज़ें बनाता है खुद से बनाता है। तो यहाँ पे उसमें देखो कितनी तगड़ी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है। उसी तरह से यहाँ पे गूगल का एंड्रॉयड आपको पता है वही बनाता है और यहाँ पे उसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारी चीज़ें अपने हो गए। तो भाई साहब सोचो यार दोनों चीज़ें मिल जाए ना तो कतई मज़ा आ जाएगी भाई साहब, और उससे भी बढ़िया वाला आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगे। तो ये बात दोस्तों यहाँ पे है, इसको छोटा मत समझना भाई साहब कि यहाँ पे 880 को कंपेयर ये नहीं कर रहा है। ये है दोस्तों यहाँ पे
व्हाइट चप्पल की पावर। अरे क्या व्हाइट चप्पल लेगा, वो बहुत गंदा होता है मेरी माने, तू ब्लैक चप्पल ले ले, बढ़िया रहेगा। अरे चप्पल नहीं ले रहा हूँ मैं यार, प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ भाई, मारो मुझे मारो, नहीं मजाक हो रहा है यार। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। गाइस यहां पे डिस्प्ले आपको 6.4 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में, और यहां पर जो 6 होगा ना उसमें आपको रेजोल्यूशन मिलेगा FHD प्लस का, और यहां पे जो 6 प्रो होगा उसमें आपको 2K रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा डिस्प्ले में। तो ये दोस्तों यहां पे काफी कमाल की चीज लगी मुझे भाई साहब, क्वाड HD क्या बात है। अगर गाइस यहां पे आप लोग बात करते हो, यहां पे पंच होल तो देखने को मिलेगा, साथ में यहां पे हमें जैसा कि बताया मैंने आपको, यहां पे रेंडर से हमें ये पता चल रहा है कि यहां पे हमें साइज से कर्व डिस्प्ले मिल जाए, तो ये भी काफ़ी कमाल की बात है। और दूसरे यहाँ पे अगर बात करते हो आप लोग इसकी चार्जर की, तो ऐसा दोस्तों यहाँ पे नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे डब्बे में मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा या फिर कितने वॉट का मिलेगा, लेकिन सूत्रों के मुकाबले ये पता चला है कि गूगल इसमें फास्ट चार्जर और वायरलेस चार्जर पे भी दोस्तों यहाँ पे काम कर रहा है। बैटरी की बात करते हो तो यहाँ पे आपको 4500 mAh की बैटरी मिलेगी यहाँ पे 6 में, और 6 प्रो की बात करते हो तो यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाएगी 5000 mAh की बैटरी। तो इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब क्या हो सकता है सर? अबे भोंदू, 5000 में से 4500 mAh कम कर दे, 500 mAh एक्स्ट्रा मिल रही है, बस यही तो पूछ रहा था मैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये फोन कब तक हमें देखने को मिलेगा मार्केट्स में, और कब तक हमारे हाथों में आएगा और हम मजे लेंगे इस फोन से भाई साहब। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं एक बात कि यहाँ पर नहीं है, अभी टेस्टिंग फेज में ही दोस्तों यहाँ पे चल रहा है, और यहाँ पे मतलब ना थोड़े बहुत यूनिट बनाए गए हैं और इसके ऑफिशियल जो है वो यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं किस तरह से फोन परफॉर्म कर रहा है। अगर आप लोग बात करते हो लाइक इसकी प्रोडक्शन कब तक चालू होगी, तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है भाई अगस्त में चालू हो जाएंगे। लॉन्च की बात करते हो तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि अक्टूबर में ये लॉन्च हो जाएगा ये फोन, अक्टूबर में मानी बॉबी बहुत ज्यादा टाइम है। अगर गाइस यहां पे आप लोग बात करते हो इसकी प्राइस के बारे में, तो यहां पे प्राइस के बारे में यहां पे कुछ भी चीजें नहीं पता है मुझे सूत्रों से भी नहीं पता चला है, लेकिन यहां पे एक बात मैं जरूर कह सकता हूं भाई, इस बार गूगल पिक्सल है वो यहां पे सस्ते में आएगा इंडिया में। क्योंकि यहां पे एक चीज हमें सूत्रों से पता चला है कि वो ये चीज है कि ये ना अभी इंडिया में दोस्तों यहां पे गूगल जो है ना वो यहां पे मैन्युफैक्चर करने की दोस्तों यहां पे कोशिश कर रहा है, यानी जो भी मैन्युफैक्चर दोस्तों कंपनियां हैं उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि इस फोन को इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाए और इंडिया में बेचा जाए मस्त तरीके से। तो दोस्तों इंडिया में अगर मैन्युफैक्चर होता है तो आपको पता है टैक्स वैक्स कम लगेंगे, और आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे एक जो है वो काफ़ी बढ़िया वाला दोस्तों यहाँ पे आपको एक सस्ते रेट में आपको सस्ती मस्ती प्रोवाइड हो जाएगी। तो इसी बात पे सब्सक्राइब करना बनता है। दोबारा बोल सब्सक्राइब बोला, कहीं से पढ़ लिया होता थोड़ा स्कूल चला जाता सब्सक्राइब। तो दोस्तों बस इस वाले वीडियो में इतना ही था, आप लोगों को कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट में जरूर से बताना। अगर आपने अभी तक शॉर्ट्स वाले चैनल पे नहीं गए तो यहाँ पे क्लिक करो, जल्दी से जाओ यार, रिक्वेस्ट है भाई साहब, जाओ सब्सक्राइब करके चले आओ, और यार चैनल पहली बार तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक कर लेना और सब्सक्राइब बटन भी दबा देना, क्योंकि आपको इसी तरह से फन के साथ में मजेदार वीडियो और एक्सक्लूसिव सूत्रों के मुकाबले जो पता चलता है वो आप लोगों को बताता रहता हूँ। और मैं बताऊँ अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय।